Hello children. So we are doing the first unit, and we have already completed the first part, the story of Patrick. Okay. Now we are moving to the next thing, which is a poem, laughing song. Uska hai, laughing song. Uh, in this poem, the poet is seeing the happiness in everything around us, and he is also inviting us to come join and laugh. So let us start laughing. I mean reading.

रन्स लाफिंग बाई दौड़ता है दौड़ना इसलिए यूज़ किया एनर्जी के लिए खुशी में हम एनर्जी होती है हमारे अंदर हम दौड़ते हैं एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रनस लाफिंग बाई और जो पानी दौड़ रहा है ना वो भी हंस रहा है जो उछलना कूदना है ना उसका वो सब हंसी है वेन द एयर डज लाफ विद अवर मैरीविट और जब हम हंसी मजाक की बातें करते हैं ना मैरी मैरीविट मतलब हंसी मजाक के आपस में जब हम बच्चे बातें करते हैं तो हमारी बातें सुन के हवा भी हंसती है हवा भी खुश होती है एंड द ग्रीन हिल लाव्स विद द नॉइज़ ऑफ इट और उसकी जब सारी आवाज़ें होती हैं तो उसके साथ साथ ग्रीन हिल भी जो पहाड़ी है हरी भरी वो भी हंसती है वेन द मीडोज मीडोज़ क्या होता है मीडोज इज़ वास्ट ग्रीन पैच ऑफ लैंड जमीन का बड़ा ऐसा हिस्सा जहाँ हरा भरा पेड़ पौधे सब हों बढ़िया खूबसूरत लाफ विद द लाइवली ग्रीन दैन द मीडोज लाफ जब मीडोज हंसते हैं विद्ली ग्रीन उसमें भी जो ग्रीनरी है उसके साथ हंसते हैं सारे खुशी भरे सीन में ग्रास भी हंसता है माइक इंसेक्ट ग्रास होपर वो भी ऐसा लग रहा है जैसे वो हंस रहा हो वैन मैरी एंड सुजन एंड एमिलीय दोएट इज यूजिंग थ्री नेम्स ऑफ चिल्ड्रेन तीन बच्चों की बात कर रहा है वैन मैरी एंड एमिली ये तीन स्वीट राउंड माउज सिंग हा हा हे और जब बच्चे अपने सुंदर से प्यारे से मुंह से गोल गोल करके आवाजें निकालते हैं कैसी हंसी की आवाजें हा हा हे वेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड और जब पेंटेड बर्ड्स पेंटेड पेंटे मतलब मल्टी कलर्ड और वेरी ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स लाफ हंसती है ऐसी बर्ड हंसती है शेड में शेड के अंदर बैठ के हंसती है वे अवर टेबल विद चेरीज एंड नट्स is स्प्रेड जहाँ हमने एक टेबल लगाई हुई है उनको खाने पीने के लिए जिसमें चेरीज और नट्स उसको उनके लिए डाले हुए हैं तो खुशियों का माहौल है खाना पीने का माहौल है कम लिव एंड बी मैरी एंड जॉइन विद मी खुशी के साथ रहो और मेरे साथ आओ जॉइन विद मी टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हे कोरस कहते हैं जब हम मिलकर गाते हैं ना कई लोग सिंगल गाते हैं तो सॉन्ग कहते हैं जब बहुत सारे लोग मिलकर गाते हैं उसको क्या कहते हैं स तो सब लोग हंसी का गाना गा रहे हैं तो पोइट कह रहा है आओ मेरे साथ और आप सब भी मेरे साथ मिलकर ये खुशी का गाना गाओ कौन सा हा हा है सो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी गुड लेसन फ्रॉम द पोइट हमेशा खुश रहना चाहिए हर चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए नाउ वी आर डूइंग द एक्सरसाइज द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन वट डज द ग्रीन हिल डू इन द पोयम ग्रीन हिल क्या करती है पोयम में वो भी हंस रही है एवरीथिंग इज लाफिंग सो so, इसका आंसर फिर भी देख लेते हैं क्राई आउट लाउड नो लाफ विद नॉइज यस सींग अलाउड नहीं गाना भी नहीं गा रही इट इज लाफिंग सो दिस इज द राइट आंसर हाउ इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाफ्टर इन द पोयम किस तरह की साउंड या एक्सप्रेशन दिया गया, गया लाफ्टर को इस पोयम में ए इज हा हा हे ला फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम व्हाट डज द टेबल आर स्प्रेड विद टेबल्स पे क्या डाला हुआ है क्या हमने लगाए हुआ है खाने की बात आई थी ना वो चेरीज हैं नट्स हैं या दोनों हैं एक्चुअली सी इज द आंसर वी हैव चेरीज एंड नट्स बोथ ऑन द टेबल वाइट डज द पोएट इन्वाइट्स टू ज्वाइन विद हिम पोएट हमें इन्वाइट कर रहा था कि आओ मेरे साथ ज्वाइन करो ऐसा क्यों टू डांस टूगेदर टू सिंग द स्वीट सॉन्ग और टू ईट चेरीज एंड नट्स किसी किस, किस चीज़ के लिए बुला रहा था ही वॉज इन्वाइटिंग अस टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग सो बी इज द राइट आंसर आंसर दो फॉलोइंग क्वेश्चन आप खुद करेंगे वर्ड रॉक में आते हैं फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स नीचे कुछ वर्ड्स हैं उनके कुछ लेटर्स मिसिंग है स्पेलिंग मिसिंग है तो आपको क्या करना है इनको फिल करना है ताकि वो कंप्लीट वर्ड बन जाए ओके सो लेट इस सी दिस इज डब्ल्यू स्पेस इज स्पेस डी दो बार स्पेस इस है इसका मतलब दो लेटर आएंगे इट मीन्स यहाँ पर आएगा वुड तो ये हो जाएगा एक प्रॉपर वर्ड वुड लाफ ये देखने से लग रहा है लाफ ओके okay? तो इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करते हैं एल ए यू जी एच लाफ दिस वर्ड बन जाएगा नॉइज विद स्टार्टिंग विद एम ई स्पेस स्पेस वाई मैरी आर आर मैरी Fifth one is G R A double S Grass H O double P E R. Yes, Grasshopper Bunny either Grass O This is B space R space S. What is this? It is birds, right? So we have filled up the spaces and completed the words. Match the nouns with the describing words from the poem. वो में कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं हमें उनको नाउन से मैच कराना है देखते हैं नंबर वन इज वुड्स वुड्स क्या एक नाउन है इसको so, किससे मैच करा सकते हैं हम इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या बनेगा पेंटेड वुड्स स्वीट वुड्स ग्रीन वुड्स यस ग्रीन इज गोइंग वेल विद इट सो ग्रीन वुड्स मीडोज मीडोज कैसे होते हैं पेंटेड स्वीट वास्ट वास्ट इज द राइट वर्ड हेयर सो इससे मैच कराते हैं इसको स्ट्रीम नंबर थ्री इज स्ट्रीम स्ट्रीम कैसा होता है पोयम में बताया था पेंटेड स्वीट या डिम्पलिंग स्ट्रीम बताया था डिम्पलिंग सो डिम्पलिंग इज द राइट मैच कोरस कोरस कैसा था पोयम में इट वॉज पेंटेड स्वीट या इट वॉज स्वीट बर्ड्स दे वर पेंटेड राइट सो दिस इज द राइट मैच फाइव का ए से सो कंप्लीटेड द एक्सरसाइज पार्ट ऑल्सो And in the next session, we will do the story part of this same unit. Okay? So, till then, bye.